हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हम लोग 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले बच्चे, तो आज आपका ये चौथा वीडियो। इसके पहले हम लोग 3 इसमें वीडियो डाल दिए थे, 5-5 क्वेश्चन इस 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। आज भी जो वीडियो होगा इसमें 5 ही क्वेश्चन चलेगा बच्चे, छोटा 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है बच्चे, आप देखिए और उसे एक नोट्स बनाते जाएं। आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 2 नंबर का कंप्लीट होगा, 5 नंबर का भी चला जाए। तो आज की पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन में ये आपके लिए लाए थे कि जटिल यौगिक, ध्यान दीजिएगा, जटिल यौगिक में ये CuNH3 का, ये CuNH3 है और ये कुछ नहीं, उसके बाद फिर +2 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करें। यही क्वेश्चन था जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चला जाए इसमें देखा जाए क्या कह रहा है। जटिल यौगिक जिसका निकालना होता है कॉपर का, तो कॉपर का निकालना मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स। NH3 का क्या होता है, 0। अवेश कितना है बच्चे, 2, तो 2 प्लस में तो प्लस ही रखिए, तो x बराबर 2। तो याद रखिएगा जटिल यौगिक में Cu का ऑक्सीकरण निकल गया। इसके लिए आपके स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें और उसे ऑक्सीकरण संख्या, कैसा भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो आप बना सकते हैं। चला जाए मेरे प्यारे बच्चे, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखते हैं हम लोग। चला जाए देखिएगा, PH3 से NH3 का बंध कौन बड़ा होता है, क्यों। PH3 से NH3 का बंध कौन बड़ा होता है, क्यों, ऐसा क्या बात है कि PH3 से NH3 का बंध कौन बड़ा होता है। तो सुनिएगा देखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है बच्चे, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0, हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास होता है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि क्या होता है, एक चीज़ आप समझिए, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। विद्युत ऋणात्मकता आपको पकड़ने आता है ना, FON सबसे ज़्यादा पूरे प्रेडिक्टेबल में, तो वही कह रहा कि हाइड्रोजन से अधिक होती है, अतः NH अबंध ध्रुवीय होता। जब कहने का मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा तो वह ध्रुवीय हो जाएगा, इसलिए NH3 में अंतरणविक हाइड्रोजन अबंध होते हैं, इसलिए विपरीत P तथा H दोनों की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 होती है, इसलिए उसमें कम होता है। याद रखिएगा मिस विद्युत ऋणात्मकता पर चलता है, EN पर, EN के कारण ऐसा होता है बच्चे, रिपल्सन काम करता है वहाँ पर। चला गया, निम्नलिखित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, लिखें जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है प्यारे बच्चे उसे देखा जाए। Z=23, कहने का मतलब Z=23 का एटॉमिक नंबर आपका 23 दिया हुआ, इसका निकालना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक भी बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। सबसे पहले लिखा जाता है स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से आप लिखिए, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप देखिए ये एक हो जाएगा, ये भी, ये कितना हो जाएगा 2 फर्स्ट, तो 2s, ये कितना हो जाएगा आपका 3s, ये आपका हो जाएगा 4s। आप देखिए ये 2p, ये 3p, इस तरह से अगला आ जाएगा 3d, स्कूल पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए 23 है टोटल, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 3 जोड़ के देख लिया जाए 23 होगा। इसी तरह से आप 30 निकाल लीजिएगा, 30 आप लोग निकाल लीजिएगा, बस यहाँ पर डी के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चे 10। आप कर सकते हैं, देख लीजिए Z=30 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऊपर वाला का जोड़िएगा, नहीं तो आप याद रखिए ना, स्कूल पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस कॉन्सेप्ट से कभी भी गलत नहीं होगा। चला जाए प्यारे बच्चे, इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, मिथनोइक अम्ल तथा इथनोइक अम्ल में अंतर लिखें। कहने का मतलब मिथनोइक अम्ल और इथनोइक अम्ल में क्या क्या अंतर हो सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंतर लिखना जरूरी होगा।
तो सबसे पहले देखिए मिथनोइक अम्ल, आप तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, मिथनोइक अम्ल का फार्मूला होगा HC OOH, मिथनोइक अम्ल है। इथनोइक अम्ल क्या हो जाएगा? CH3 COOH। ये देखिए ये मिथनोइक अम्ल, इथनोइक अम्ल। आप बताते हैं मिथनोइक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और इथनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? एसेटिक एसिड। याद रखिएगा एसेटिक एसिड। आप देखिए और बहुत सारा अंतर है, ये आपके चींटी के डंग में पाया जाता है, ये आपका सिरका में पाया जाता है, तो अब ये सब छोटा मोटा अंतर है। चलिए इसी तरह से आप देखिए गुण को समझिए, गुण को समझिएगा। गुण कह रहा है कि रिएक्शन विद टॉलरेंस एजेंट, अगर दोनों की बात किया जाए मिथनोइक एसिड और इथनोइक एसिड की टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया जाए, तो याद रखिएगा मिथनोइक एसिड सिल्वर दर्पण बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, लेकिन ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, तो दो को तो अंतर हो गया। कहने का मतलब ये आपको एक तो नाम लिख दीजिए, IPSC नाम दिया हुआ था, आप उसका फार्मूला डाल के आप वहाँ पर कॉमन नेम यूज कीजिए। दूसरा मिथनोइक एसिड TR से अभिक्रिया कर रजत दर्पण बनाता, सिल्वर मिरर टेस्ट देता बच्चे, लेकिन इथनोइक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। इसी बात से अगला रिएक्शन विथ फिर KMnO4, अम्लीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, कहने का मतलब रंगहीन हो जाएगा और ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अंतर बना सकते हैं मिथनोइक अम्ल और इथनोइक अम्ल में। चला जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे, देखते चलेंगे, पूरे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चला जाए आज की लास्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा के चार ग्राम अनुभार को जल में घोलकर, अनुभार इतना 40 है तो को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, बिलियन की मोलरता आपसे पूछा गया, बिलियन के मोलरता पूछा गया, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको याद करने पड़ेगा कि दिया गया बिले की मोल बटा बिलियन का आयतन। क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 200 सेंटीमीटर क्यों होना का। तो चला जाए अब एक चीज, सबसे पहले कास्टिक सोडा है क्या चीज़ हमारा? NaOH है बच्चे। इसका दिया गया द्रव्यमान को बोलते हैं W। कितना ग्राम दिया हुआ? 4 ग्राम। अनुभार निकाल लीजिए, अनुभार आपका दिया हुआ कितना? 40। वाह क्या बात है, क्वेश्चन तो सिंपल कर दिया, इतना तो आसान कर दिया। तो मोल हमारा निकल गया, बिले का मोल निकाल लिया गया, कितना हो जाएगा? दिया गया द्रव्यमान बटा अनुभार, ये हो गया 1/10। 1/10 रखिए या इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इतना मोल हमारा निकल कर आ चुका है। अब आयतन की बात कीजिए। आयतन देखिए प्यारे बच्चे, आयतन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तो मिलेगा, एक पक्का मिलेगा। कितना आयतन दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यू। एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम तो आपको फार्मूला पढ़ाए थे मोलरता का, दिया गया बिले की मोल, मोल आपका मोलरता बराबर होगा बिले की मोल बटा कुल आयतन, आयतन जो होगा वह लीटर में होगा, तो एक सेंटीमीटर को क्यूब में बदलने हैं, सेंटीमीटर क्यूब से हमको लीटर में बदलने पड़ेगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर, देखिए लिख देते हैं, एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर, कहने का मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? तो 10^-3 लीटर होगा। अब हमको इतना है तो इसको बदल देंगे लीटर में, तो कितना हो जाएगा? 10^-3 लीटर। अब इतना हमारा हो गया, पूछ रहा है मोलरता बच्चे, मोलरता बराबर बिले का मोल हमने लाया है 1/10 बटा में है कितना? 200 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? -3। ऐसा किया जा, हम इसे ऐसे लिखें, एक ये ऊपर चल जाएगा 10^3, ये 200 और ये नीचे आ जाएगा 100, 1 0 2 0 3 0, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म आपका हो गया, तो कितना हो गया? 1/2 मोलरता, तो मोलरता लिखिए या इसी को लिख सकते हैं 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है,
कि आपको कास्टिक सोडा जो दिया है तो इसको हमने मोल निकाल दिए, फिर उसको हमने आयतन में बदल दिया, अमोलरता बराबर होता है आपका फार्मूला दिया गया, विलेय का मोल बटा क्या चीज आयतन, तो इससे बना सकते हैं। एक बार बैक टू बैक आगे रिवीजन देख लिया जाए, पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा तो बनाना होगा आपको। ऑक्सीकरण संख्या निकालने कहेगा, निकल जाना चाहिए आपको। PH3 विद्युत ऋणात्मकता के कारण, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सिंपल है, बहुत आसान है, बन जाना चाहिए। उसके बाद था मिथनोइक अम्ल, लिथनोइक अम्ल में अंतर, आप IPSC नाम दिया हुआ तो कॉमन नेम लिखिए, फार्मूला लिखिए, टॉलेंस अभिकर्मक से मिथनोई करता है, ये नहीं करता, KMnO4 से ये करता ये नहीं करता, आप ये भी लिख सकते हैं। और ये तो न्यूमेरिकल था आपका। और इसी तरह से हम लोग एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे, और हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन, जितना हो सके ज़्यादा छोटा ही वीडियो देंगे, जिससे आप बोरिंग नहीं महसूस कीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बना रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।